अल्काइलेशन, अल्काइलेशन का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप का एडिशन। अल्काइलेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, एडिशन ऑफ एल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल में क्या मिथाइल होगा क्या, या इथाइल यस होगा क्या, या प्रोपाइल होगा? इसका मतलब है कोई भी ग्रुप हो सकता है, बशर्ते वहां पे कोई भी, जैसे मिथाइल होगा तो CH3 हो जाएगा, इथाइल होगा तो C2H5 हो जाएगा। ये सभी के सभी अल्काइल ग्रुप है। मैंने कहा था किसी भी अल्केन से अगर आपने एक हाइड्रोजन को निकाल लिया, जो बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा उसको हम लोग क्या कह देंगे? एल्काइल। कह देंगे। अब यहां पे जब आप एडिशन कराओगे, इसीलिए इसको हम लोग कह देते हैं अल्काइलेशन, यानी कि एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप। और आपको पता है अल्काइल ग्रुप उसे कहते हैं जो किसी भी ग्रुप से, यानी कि अल्केन से, अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया तो उसको अल्काइल कहते हैं, और उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अगर कहीं भी अमाइन दिख जाए, ठीक है, अमाइन रिएक्ट विथ अल्काइल हलाइड, जब भी अल्काइल अमाइन जो रिएक्ट करेगा तो वो कौन सा डिग्री बनाएगा? 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। क्वार्टनरी भी बनाता है। आपसे मैं कहूं कि मैंने कोई भी अमाइन को रिएक्ट कराया, अल्काइल अमाइन को, तो क्या वहां पे 1 डिग्री अल्काइल बनेगा क्या? नो सर। नहीं। कभी भी याद रखना कि अगर आपने अल्काइल अमाइन को जो है ऐड कराया तो कभी भी प्राइमरी नहीं देगा। खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है जुड़ के क्या हो जाएगा, दोनों साइड से यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ। जैसे मेरे पास मान लीजिए CH3NH2, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल 1-अमाइन। ठीक है, मैंने इसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ? मिथाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है, या इसको हम लोग कह सकते हैं क्लोरोमीथेन के साथ। अब हमने जैसे ही रिएक्ट कराया तो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं यहां पे इसको ऐसे लिख देता हूं, यहां पे हमारे पास क्या है? कोई भी मिथाइल क्लोराइड है। मुझे बताइए कि क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। एच पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब ये क्या करेगा, यहां से एच प्लस और इसको लेके चले जाएगा। अब जैसे ही चले जाएगा तो मुझे बताइए इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन एच प्लस लेके निकला है या दे के निकला है? लेकर नहीं, एच प्लस तो बेचारा देखकर गरीब हो गया ना, उसने तो छीन लिया नाइट्रोजन ने, तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव। अब यहां पे मुझे बताइए कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा? खींच के ले जाएगा। और अगर ये खींच के ले जाएगा तो CH3 पे क्या बचेगा? पॉजिटिव बचेगा। बोलिए, क्या समझ में आई ये बात? यस सर। ओके। अब हमने क्या करा कि यहां से देखिए, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ पे ऐसे पॉजिटिव लिख सकता था और यहाँ पे निगेटिव लिख देता। तो यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या कर लेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। और जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा? CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? एन मिथाइल, ठीक है, और क्या हो जाएगा? मीथेन 1-अमाइन। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब भी आपके पास प्राइमरी अमाइन हो, या आप कह सकते हो कि जो है अल्केन का अमाइन हो, तो वहां पर से हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपके पास क्या हो जाए कि जैसा ग्रुप होगा तो उस प्रकार से जो है बनेगा। अब कहोगे सर ये 2 मोल का मतलब क्या है? मैं अगर इसी रिएक्शन को
फर्दर और रिएक्ट कराऊं, मेरे पास मैंने एक मोल लिया तो ये तो यहां बन जाएगा, लेकिन मैंने कहा कि नहीं मेरे पास ये दो मोल है, तो एक और मोल क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर देखिए यहां पे ये हाइड्रोजन है, हमारे पास क्या है इधर साइड CH3, बोलिए कुछ ऐसा ही है। अब यहां पे फिर से हमने क्या करा कि दूसरा मोल को ले आए, वो फर्स्ट मोल था और ये कौन सा मोल है, सेकेंड मोल। तो सेकेंड मोल हमने जैसे लाया तो CH3Cl- ये पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो यहां से ये H+ निकलेगा और यहां से HCl निकलेगा और ये क्या बना लेगा, CH3 and CH3। अब यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव को कौन अटैक कर देगा यहाँ। अच्छा यहाँ पे आप इसको मतलब समझ जाओगे दो मोल, तो इसलिए मैं जो है समझाने के लिए आपको बताया कि इसका जो है शुरू में ही लिखा हुआ रहेगा। तो वापस से यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका CH3, कहाँ चले गया, ओके यहाँ पे क्या बन जाएगा CH3N, और हमारे पास यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा CH3N जो है CH3 जुड़ जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत तब आएगी जब कहोगे कि सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि 1 डिग्री पे एक दो दो हाइड्रोजन थे, तो एक हटाया तो आपने फिर दो पे था तो दो हाइड्रोजन हटाया और इस प्रकार से आपने प्रोडक्ट बनाया। मुझे आप बताओ जब हमारे पास 3 डिग्री यानी कि जो है 3CH3Br ग्रुप हो तब कैसे प्रोडक्ट बनेगा। तो तब उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लो कि मेरे पास यहां तक तो बन गया CH3N and CH3, ठीक है, और यहां भी CH3 आ गया। अब हमने जो है फर्दर क्या करा कि CH3Br के साथ रिएक्शन करा दिया। अब हमारे पास तो हाइड्रोजन है नहीं जो कि हाइड्रोजन Br के साथ रिएक्शन कर जाए और जो है वो उसके साथ जो है CH3 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए निगेटिव है तो कहीं ना कहीं इस पे कैसा चार्ज आएगा, सॉरी नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो यानी कि इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव, इस पे कैसा आएगा पॉजिटिव क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। अब देखो इस बेचारे के पास कमी था तो ये जाके क्या करेगा, यहां जाके अटैक करेगा क्योंकि यहां से बॉन्ड को तोड़ेगा और ये क्या कर लेगा, कुछ इस प्रकार से बना लेगा NCH3 और ये CH3 और ये CH3। अब देखिए इसके पास चार बॉन्ड हो गया, ये जो कार्बन के पास पॉजिटिव था ये किसको दे देगा, इसको दे देगा। अब देखिए ये पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, तो Br जो है क्या हो जाएगा बाहर में जुड़ जाएगा और इसी चीज को हम लोग क्या कह देते हैं, क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट कह देते हैं। ये 3 डिग्री अमाइन हो गया, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया, तो याद रखना कि अल्काइलेशन से हमेशा जब भी बनेगा 2 डिग्री 3 डिग्री एंड जो है क्वार्टनरी अमाइन बनेगा। मान लो कि मेरे पास एक मोल है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आप लोग बता दीजिए CH3 बोलिए NH, क्या मैं ऐसा बना दूं C2H5, यस सर, और साथ में क्या निकल जाएगा HCl। अगर मेरे पास C3H7 है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए, C2H5 वेरी गुड NH2 NH। अब यहाँ पे दो मोल है तो एच होगा या फिर दोनों के दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जो सीएल के साथ रिएक्ट कर जाएंगे, यहाँ पे दोनों कर जाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा C3H7। यहाँ पे नीचे दो मोल है तो एक ऊपर में चले जाएगा और एक क्या चले जाएगा यहाँ पे चले जाएगा C3H7 और साथ में क्या निकल जाएगा 2HCl। बोलिए क्लियर है, Yes, sir. अगर आपके पास 3 डिग्री होगा तो आप कहोगे सर पहले तो मैं 2 को एकदम जो है जैसे है वैसे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास यहाँ CH3 है तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया CH3। अब यहाँ भी हमने CH3 लिख दिया क्योंकि एक इसी पे जाकर अटैक करेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा Br- हो जाएगा, ओवरऑल जो है ये कंपाउंड क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा। याद क्या रखना है, हमें सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमें अल्काइलेशन कराना हो वो भी अमाइन में, तो आप उसका हलाइड ले लीजिए,
अल्काइल हैलाइड ले लीजिए और उसके साथ रिएक्ट कराइए, तो वहां से हाइड्रोजन जो है क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, जो भी आपका हैलोजन ग्रुप है बाकी ग्रुप को अमाइन के साथ जोड़ दीजिएगा। ठीक है, ओके। अब कोई कहेगा कि सर आपने तो वहां पे अल्काइल लिया, अब मुझे एसाइलेशन कराना। एसाइलेशन का मतलब होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ को हम लोग क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप। यानी कि इस ग्रुप के एडिशन को, या मैं इसको कह दूं सी एच थ्री, ज्यादा प्रेफरेंस रहेगा, बढ़िया रहता है। अगर आपको इस ग्रुप को ऐड कराना हो, जैसे अल्काइल में हमने कहा था कि मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको इस टाइप का ग्रुप यानी कि ये वाले ग्रुप को ऐड कराना हो, इसको कहते हैं असाइल, और एडिशन को हम लोग क्या कह देंगे, असाइलेशन कह देंगे। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, सीएल जाएगा प्रोटीन के प्रेजेंस में, और ये क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट जो है घूम के यहाँ पे क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ से देखिए NH, एक हाइड्रोजन ले जाएंगे और इसके साथ क्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड O एंड जो है NH हो जाएगा। ठीक है, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां से हमने क्या करा कि एक हाइड्रोजन लिया, मैं बना भी देता हूँ फिर से एक बार ताकि कि आप लोगों को ज्यादा देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है C2H5NH2। इसको मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं, Cl C डबल बॉन्ड O एंड जो है CH3। ठीक है, बोलिए। अब यहां से एक हाइड्रोजन ले लेगा, अगर आप देखिए तो क्या मैं इस हाइड्रोजन और इस क्लोरीन का रिएक्ट करा दूं? यस सर। और जैसे ही करा देंगे तो क्या ग्रुप ऐसा आपका बन जाएगा क्या, C2H5NH, अगर जो दो मोल होता तो यानी कि अलग बनता, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है, यानी कि जो है एक मोल दिया हुआ है, तो हमारे पास ये हो जाएगा NH और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O एंड जो है CH3 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं एन इथाइल, आपके पास जो है एसिटामाइड भी कह सकते हो। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, जब अल्काइल ग्रुप हो तो अल्काइल का ऐड करना, जब असाइल ग्रुप हो तो असाइल का एडिशन करना। अब जैसे मान लीजिए अब आपके पास 2 डिग्री हो, तो 2 डिग्री अगर जब आपके पास अमाइन होगा तो सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार से जोड़ेंगे, यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जब आपके पास बेंजाइल ग्रुप हो, जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम लोग कहते हैं एनिलीन या बेंजाइन अमाइन कहते हैं। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिखता हूं ताकि कि हम जो है यहां से बॉन्ड को प्रेफरेंस आराम से बना सके। अब हमारे पास क्या है, इसको एनहाइड्राइड ग्रुप कहते हैं, अगर जो इथेन है तो इथेनोइक एनहाइड्राइड कह देंगे। यहाँ पे देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O एंड जो है CH3 हो जाएगा। यहां से हमने बॉन्ड तोड़ा, ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका यहां से निकलेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा, और इस पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपका पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है जुड़ जाएगा। NH मैं लिख देता हूं, हमारे पास C डबल बॉन्ड O एंड जो है CH3 हो जाएगा, और साथ में क्या निकल जाएगा, एसिड निकल जाएगा। अब यही क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछा गया था, उन्होंने कहा कि एनिलीन को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उसमें जो सेकंड प्रोडक्ट बनता है एक अमाइड बनता है, दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा बनता है, तो आपको बताना था वहां पे जो सेकंड प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, चाहे बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वो पूछ ले, चाहे वो जिस टाइप के भी इस टाइप से पूछे कि अगर हमने एनिलीन को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया तो क्या क्या बनेगा। अब यहाँ पे अल्कोहल था, ये तो सभी जगह सेम था, अल्कोहल था, एल्डिहाइड था, कीटोन था, एसिड था, तो आपको जो है राइट आंसर जो मारना है वो कौन सा मारना है, एसिड वाला मारना है। ओके, ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे सॉर्टेन बॉमन रिएक्शन की। अभी तक मैंने जो बताया 3 बातें बताई, अगर आपके पास एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप करना है अमाइन में तो आप
कौन सा रिएक्टेंट लीजिएगा, किसका हलाइड लीजिएगा, अल्काइल का या फिर एसिड का या फिर कीटोन का, बोलिए। से तो क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर मुझे क्या करना है कि अमाइन से RnH2, ठीक है, इसको मुझे किससे रिएक्ट कराना पड़ेगा जिससे कि मुझे यहां पे 2 डिग्री अमाइन मिलेगा। तो कहोगे अल्काइल हलाइड से अगर हम रिएक्ट कराएंगे तो यहां पे 2 डिग्री अमाइन मिलेगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 मोल रखा तो 2 डिग्री बनेगा, अगर मैंने 2 मोल रखा तो कौन सा डिग्री बनेगा, 3 डिग्री, थ्री 3 डिग्री। डिग्री अगर मैंने 3 मोल RX रखा तो कौन सा बनेगा, क्वार्टनरी फोर डिग्री भाई, फोर ठीक है, डिग्री इस प्रकार से बनेगा। फिर मैंने आपको बताया कि जब आपको क्या कराना हो, एसाइलेशन कराना हो, यानी कि एसाइल का मतलब क्या होता है, क्या इसको एसाइलेशन कहते हैं क्या, CH3COOH, क्या इसको एसाइलेशन कहते हैं क्या, क्या नो सर। इसको एसाइलेशन कहते हैं क्या, क्या नो सर, नो इसको एसाइलेशन कहते हैं क्या। यस सर, हाँ, यस सर। अगर ये ग्रुप दिख जाए तो इसी को एसाइलेशन कहते हैं और इसी के एडिशन को हम लोग क्या कह देते हैं, एसाइलेशन कह देते हैं, ठीक है। ओके, अब हमें एसाइलेशन किया, अगर हमने बेंजीन में एनहाइड्राइड को जोड़ा तो जो सेकंड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और जो है वो अल्कोहल। तो कौन सा सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाएगा, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड जो होगा वो सेकेंडरी प्रोडक्ट हो जाएगा। यही चीजें जो है आपको याद भी रखना है, ठीक है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सॉल्टेनबॉम जो है रिएक्शन की। इन्होंने क्या करा कि बेंजाइल क्लोराइड को, ठीक है, यानी कि अमाइन ऑल्सो रिएक्ट विद बेंजाइल क्लोराइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजाइलाइजेशन। इन्होंने कोई भी एक अमाइन ले लिया और उसको बेंजाइल क्लोराइड के साथ कराया। बेंजाइल क्लोराइड कैसा होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। और इसके साथ हमने क्या कर दिया, CH3NH2 के साथ रिएक्शन करा दिया। देखिए कहीं ना कहीं सिमिलर टाइप का ही रिएक्शन है। अगर ये याद करो कि हमने अमाइन को अल्काइल हैलाइड की जगह पे इस बार हमने क्या ले लिया, बेंजाइल क्लोराइड ले लिया। अभी यहां से भी क्या होगा कि एक एच यहां जाएगा और एक सीएल लेगा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, NH ग्रुप और CH3 जुड़ जाएगा। बोलिए ये तो होगा क्या, आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि यहां से एच निकलेगा और यहां से क्या निकलेगा, सीएल निकलेगा। और एच किस फॉर्म में निकलेगा, पॉजिटिव में, और ये निगेटिव में, और ये आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब जैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो यहां पे निगेटिव आ जाएगा और यहां पे आपका कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये वापस यहां पे जाके अटैक कर जाएगा और जिस कारण से आपका जो है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, NH एंड जो है CH3, और साथ में क्या निकल जाएगा, HCl। बस सॉल्टेनबॉम ने क्या करा कि वो रिएजेंट को जो है उन्होंने क्या करा, जो है कौन सा लिया, बेंजाइल क्लोराइड ले लिया। अगर इसको नॉर्मल करते तो अल्काइलेशन या एसाइलेशन कहते, लेकिन अगर हमने बेंजाइल क्लोराइड ले लिया तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, बेंजाइलेशन कह देते हैं। और इस प्रोसेस को जो है सॉल्टेनबॉम ने बताया था, इसीलिए इसको सॉल्टेनबॉम रिएक्शन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि सॉल्टेनबॉम रिएक्शन किसका होता है, एल्डिहाइड का, कीटोन का या अमाइन का। तो आप किसका आंसर दीजिएगा, अमाइन अमाइन का। वेरी गुड, याद रखना फिर से, सॉल्टेनबॉम जो रिएक्शन होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, अमाइन के लिए। अमाइन के लिए। क्या एल्डिहाइड के लिए होगा, क्या क्या नो सर, कीटोन के लिए होगा, क्या नो सर, ना, तो एल्डिहाइड के लिए, ना कीटोन के लिए, ना अल्कोहल के लिए,
ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? अमाइन के लिए। अगर मैंने क्या करा कि अमाइन को बेंजाइल क्लोराइड के साथ बनाया, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? शॉर्टेन बॉन्ड। अगर मैं कहूं अमाइन को अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराया, तो उस रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? शॉर्टेन बॉन्ड, अल्काइलेशन या एसाइलेशन? अल्काइलेशन जरूर, अल्काइलेशन अगर मैंने अमाइन को एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, तो जो प्रोडक्ट बना या उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? अल्काइलेशन, एसाइलेशन या शॉर्टन बोमैन रिएक्शन? एसाइलेशन। एसाइलेशन शॉर्टन बोमैन में क्या होगा कि अमाइन को बेंजाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइएगा, तो जो बनेगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं? शॉर्टन बोमैन जो है रिएक्शन कर देते हैं। यहां पे जनरली याद रखना कि शॉर्टन बोमैन जो होते हैं वो प्राइमरी अमाइन के लिए जो है वर्क करते हैं। जनरली अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाए, यानी कि यहाँ पे अब हम कौन सा ग्रुप ऐड करा रहे हैं? असाइलेशन करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिख देता हूँ। यहाँ पे रिएजेंट आपको उतने याद नहीं रखने हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है सीएल है। देखो तो थोड़ा सा मैंने इसको सिंपल कर दिया और कुछ नहीं किया। या चलिए ठीक है, एन एच आर और ये आर। अब यहाँ पे वन हमने यूज कर लिया है, इसको टू यूज कर लीजिए, इसको थ्री यूज कर लीजिए। बोलिए, इतनी सी बात क्लियर है? यस Yes. उसके बाद हमने जो है ना इस रिएजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaHCO3 के साथ में हमने जो है रिएक्शन कराया। अब ये हाइड्रोजन यहां के साथ निकल जाएगा। बोलिए, तो यहां पे बनने वाला जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R2N, नीचे में R3, और यहां पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OR1। मुझे बताइए कि अगर R1CH3 है तो ये ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा? यानी कि जो एडिशन किस टाइप का होगा, अल्काइलेशन होगा या एसाइलेशन होगा? वेरी गुड, असाइलेशन यानी कि क्या हो जाएगा? एसाइलेशन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर सिमिलर टाइप का ही है कि आर आर के पास क्या है? अगर आपको अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराना है, ये बेसिकली दो जगह होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो यूज किया जाता है वो दो तरीके से यूज किया जाता है। अब यहां से कहोगे कि सर यहां पे क्या बनेगा? आपके पास यहाँ पे क्या है कि R C डबल बॉन्ड O Cl है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कुछ इस प्रकार से? यहाँ पे ना Na+ और OH- जो है टूटेगा, ठीक है, या बेसिकली हम लोग जो है यहाँ से H2 को तोड़ देते हैं, तो H+ इसके साथ चले जाएगा। अब जैसे ही हमने यहाँ पे तोड़ा, तो ये क्या हो जाएगा कि R यहाँ वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? R2। इसको हम लोग जो है क्या कह देते हैं आपका? जस्ट वन मिनट, इस्टर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये R1 है, C डबल बॉन्ड O Cl है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? R2OH है। बोलिए, क्लियर है? अब यहां पे होता क्या यस है, सर यहां से अगर आपने H2O H+ OH- का रिएक्शन कराया, तो ये क्या होगा कि H+ इसको लेके तो चले जाएगा, ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा आपका जो है लेके चले जाएगा, और जैसे ही चले जाएगा दूसरा H इसको लेके चले जाएगा। अब यहां पे H जो है ना वो किस फॉर्म में आ जाता है? अल्कोहल के फॉर्म में आ जाता है। अब जैसे ही आया तो यहां पे आपका क्या हो जाता है? या तो आप पहले इसको निकाल सकते हैं, H+ दे के यहाँ पे OH-, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं OH- से जो इसको निकाल लेते हैं। अब जैसे ही निकलेगा तो यहाँ पे OH- आ गया। अब जैसे ये तो अभी भी देखिए इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहां से क्या हो जाएगा? R2OH ग्रुप जुड़ जाएगा, यानी कि OR, और यहां से एक H+ आएगा और इसको क्या कर जाएगा? यहां से लेके चले जाएगा, और जैसे ही लेके चले जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है क्या बन जाएगा? RCOR, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यानी कि CH2OR बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं यानी कि
इस्टर का फॉर्मेशन कह देते हैं। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि विलियमसन में रोना यानी कि RONA का जो हम लोग क्या करते थे यानी कि रिएक्ट कराते थे और यहाँ पे बनते थे, ये भी वैसा ही विलियमसन रिएक्शन ही है, बस हमने यहाँ पे क्या करा कि इसको जो है रिकॉल करने के लिए आपको लिख दिया। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या है, CH3CHCl है, अब यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि सिमिलर प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3C और यहाँ पे O और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यानी कि ये जो है प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा, इस्टर के जैसा बन जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं टेस्ट की कि कैसे पता करेंगे कि कौन प्राइमरी अमाइन है कौन जो है सेकेंडरी अमाइन है। ठीक है, अगर मेरे को पता करना हो कि भाई कौन सा प्राइमरी अमाइन है तो हम लोग कैसे पता करेंगे, मान लो कि आपको आपके पास प्राइमरी अमाइन को पहचानने के लिए, याद रखना कि कार्बल अमाइन रिएक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी को ही दे सकता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कार्बल अमाइन जो रिएक्शन होता है जिसको एक और नाम से जाना जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से, ये किस रिएजेंट को पहचानने में मदद कराएगा, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस प्राइमरी अमाइन को जो है क्या करेगा, मदद करेगा, क्या सेकेंडरी टर्शरी को करेगा, नहीं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपने क्या करा कि प्राइमरी अमाइन को CH यानी कि क्लोरोफॉर्म के साथ जो है रिएक्शन कराया और 3KOH के साथ रिएक्शन करा दिया, साथ में हमने हीट दे दिया, यहाँ पे ना साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, RN CCC। अब जब इसको हम लोग कह देते हैं आइसोसाइनाइड कहते हैं, जो भी यहाँ पे आपके आर की जगह पे होगा तो उसको जो है उस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आइसोसाइनाइड हो गया, साथ में क्या हो जाता है 3KCl साथ में जो है वाटर आ जाता है। अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर हम कैसे पता करेंगे, आपने तो रिएक्शन लिख दिया, आपको जो है ना बहुत ही गंदी स्मेल आती है, इसको हम कहते हैं फॉल स्मेलिंग। फॉल स्मेलिंग का मतलब होता है जैसे मैंने कहा था मछली के बाजार में जाओगे तो जो स्मेल होता है देखना उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक बदबूदार, उसको हम लोग कह देते हैं फॉल स्मेलिंग कह देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे को पता है कि एक प्राइमरी है दूसरा सेकेंडरी है तो हम लोग किसका यूज कर लेंगे, कार्बल अमाइन का यूज कर लेंगे या जिसको हम लोग कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। लेकिन अगर आपके पास सेकेंडरी टर्सरी हो तो कैसे पहचानेंगे, अब मान लो कि मेरे पास तीनों हो, अब मेरे को तो ये पता लग गया कार्बल अमाइन के थ्रू कि अगर मेरे पास प्राइमरी अमाइन होगा और हमने क्या करा क्लोरोफॉर्म और जो है KOH को हमने जो है रिएजेंट डाला तो उसका जो स्मेल है वो कैसा आ गया, फाउल स्मेल आ गया यानी कि जो बदबूदार आ गया। ठीक है, तो जिस कारण से ये क्या हो जाएगा यानी कि हम सेकेंडरी टर्सरी को तो नहीं पहचान सकते प्राइमरी को, तो इसीलिए ये याद भी रखना कार्बल अमाइन रिएक्शन डज नॉट गिव सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, यहाँ पे लिखा भी है सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन डू नॉट शो दिस रिएक्शन। ठीक है, आपको याद रखना कि कार्बल अमाइन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड रिएक्शन जो होता है वो किसके लिए होता है, अल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए या फिर अमाइन के लिए, माइंस के लिए अमाइन की। वेरी गुड, आपको याद रखना कि जो कार्बल अमाइन है या आइसोसाइनाइड है वो किसके लिए देता है, कौन से टेस्ट के लिए, कौन से अमाइन के लिए देता है, प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए या टर्सरी के लिए, प्राइमरी अमाइन के लिए क्या करता है, ये जो है टेस्ट देता है। ठीक है, तो यानी कि अगर मुझे पता करना हो मेरे पास दो टेस्ट है, दो है, एक में प्राइमरी अमाइन है दूसरे में मेरे पास सेकेंडरी अमाइन है और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया CH यानी कि क्लोरोफॉर्म और KOH सोडियम पोटासियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, मुझे कैसे पता लगेगा कि किसके अंदर प्राइमरी है किसके अंदर सेकेंडरी है। सिर्फ फाउल स्मेल आएगी। हाँ, यानी कि जो है फाउल स्मेल जो है स्मेलिंग आएगी यानी कि जो गंदी स्मेल आएगी तो हम उसको कह देंगे कि वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री में जो है कोई यहाँ पे जो है रिएक्शन नहीं होता है, तो इस कारण से इससे हम नहीं बता सकते। सिर्फ और सिर्फ कार्बल अमाइन से हम लोग जो है बता सकते हैं कि कौन सा प्राइमरी अमाइन है, इसको हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बाकी चीजें जो हम लोग नहीं बता सकते। ओके, अब आपके सामने रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 को हम लोग क्या कह देते हैं, नाइट्रस एसिड कह देते हैं। ठीक है,
जब प्राइमरी एलिफेटिक एमीन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डायजोनियम साल्ट, आपको याद हो हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन में मैंने डायजोनियम साल्ट के बारे में बताया था, याद आ रहा है? यस सर, हाँ, यस सर, मैंने कहा था डायजोनियम साल्ट में क्या होता है, N2Cl का फॉर्मेशन होता है, याद रखना। डायजोनियम साल्ट में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? N2Cl का जो है क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे एक और मैकेनिज्म देख लेते हैं कि कैसे ये चीजें जो होती है। अब हमने यहाँ पे लिखा HNO2 को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, यानी कि इस प्रकार से, ये क्या है आपका HNO2। अब यहां से मुझे पता है कि Cl निगेटिव H प्लस आएगा, और यहां से जैसे ही ये आएगा तो ये वाटर का रिमूवल कर ले जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। अब वाटर जैसे ही रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे नाइट्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और मोर निगेटिव है तो इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। अब हमने क्या करा कि प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराए, और जैसे ही रिएक्शन कराए तो ये ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव, इस पे जाके जुड़ेगा, और जैसे ही जुड़ेगा तो ओवरऑल नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही आया तो हमने क्या करा कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया। अब जैसे ही कराया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहां से हमने देखो यहां से क्या कर दे, इस हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया, तो ओवरऑल ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ओके, अब जैसे ही कराया तो यहाँ पे फिर से हमने क्या करा कि इस हाइड्रोजन जो बाहर आया हुआ था इसको हमने क्या करा, इस ऑक्सीजन के साथ जो है क्या कर दिया, बॉन्ड बना दिया। अब जैसे ही बॉन्ड बनाए तो ये देखिए क्या हो जाएगा, यहां से पहले बॉन्ड टूटेगा, अगर मैं कहूं तो यहां से बॉन्ड तो टूटेगा ये, और तो यहाँ पे OH आ जाएगा, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये क्या करते हैं आपस में ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जैसे ही करते हैं फिर से दूसरा हाइड्रोजन आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर का रिमूवल हो जाता है, और ये पॉजिटिव, और यहाँ लोन पेयर जो है क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब आपको पता होगा कि कभी भी कोई भी एटम चार्ज के फॉर्म में स्टेबल नहीं होता है, तो ये अपना लोन पेयर देगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर यहाँ आपने कहा कि चार्ज है, तो यहाँ भी तो चार्ज है, यहाँ पे चार्ज के साथ एटम का ऑक्टेट भी कंप्लीट है, वैसे तो ओवरऑल न्यूट्रल है लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट भी क्या है, कंप्लीट है, और आपको पता होना चाहिए जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ओके, अब हमें क्या करना है कि आपको पता करना हो कि कौन जो है सेकेंडरी, और जो है अमाइड को, जो है सेकेंडरी अमाइड को पहचानने का क्या तरीका है। हमने क्या करा कि इस बार हमने यहाँ पे अल्काइल या अराइल सेकेंडरी अमाइन ले लिया, आप चाहो तो यहाँ पे NH और R ले सकते हैं, यहाँ पे हमने फिनाइल के फॉर्म में ले लिया ताकि कि दोनों जो है यहाँ पे हो जाए। अगर हमने क्या करा फिर से नाइट्रोक्स यानी कि जो है HNO2 के साथ रिएक्शन करा दिया, और जैसे ही कराया तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। अगर सेकेंडरी होगा तो वहां पे येलो ऑयल के जैसा, यानी कि जो है ऊपर में ऑयल ऑयल के फॉर्म में, और उसका कलर कैसा होगा, येलो हो जाएगा। मैंने कहा कि अगर कार्बाल अमाइन से हमें पता करना हो तो हम लोग जो है सिंपली देखेंगे कि किसका फॉल स्मेल है, ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन अब हमें सेकेंडरी अमाइन का पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर से जो है क्या कराएंगे, इसका जो है रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ही हो जाएगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे एक और बात बता देते हैं क्योंकि यहाँ पे छूट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फर्दर हमने क्या करा, डायजोनियम, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायजोनियम साल्ट, याद रखना, बेंजीन पे भी N2Cl। कहोगे सर आपने वहां पे क्या बताया था डायजोनियम, मैंने कहा था डायजोनियम जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होता है। कहोगे क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक्चुअली रिएक्शन कन्वर्जन में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब अगर मुझे अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना होगा तो मुझे सबसे पहले डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और डायजोनियम साल्ट को अगर जब हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया तो हमारा जो है प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब है कि सर हम अमाइन को अल्कोहल बना सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, हमने क्या करा, पहले HNO2, NaNO2 और HCl को क्या करा, उसके अंदर डाला, तो कहोगे क्या बनेगा, कहोगे डायजोनियम साल्ट बना। फिर मैंने कहा कि डायजोनियम साल्ट को हमने वाटर के साथ रिएक्शन करा दिया तो
तो जो आपका बनने वाला प्रोडक्ट हो जाएगा वो अल्कोहल हो जाएगा। यानी कि डायजोनियम साल्ट ही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है अमाइन से अल्कोहल में। अब अल्कोहल बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग जो है कोई भी रिएजेंट करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसीलिए याद रखना, अगर आपसे मैं कहूं कि अमाइन को अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो हम किसका रिएजेंट यूज करेंगे, यानी कि HNO2, NaNO2 और HCl का यूज करेंगे, और जैसे यूज करेंगे तो वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा डायजोनियम साल्ट बन जाएगा। और डायजोनियम साल्ट को हमने क्या करा, H2SO के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बोले यहां तक क्लियर है? यस सर। अगर हमारे पास अभी यहाँ पे तो क्या था कि आपके पास एलिफेटिक ग्रुप था, लेकिन मान लीजिए कि आपके पास एरोमेटिक ग्रुप हो, तो वहां पे ये नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होता, थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा। 273 से जो है 278 केल्विन के करीब करीब जो है आपको इसको हीट करना पड़ता है। कोई कहता है एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड एट लो टेम्परेचर, यानी कि जो है थोड़ा सा, यानी कि जो रूम टेम्परेचर 273 से बढ़ा के 5 डिग्री आपको जो है इंक्रीज करना पड़ेगा। अब जैसे कीजिएगा तो यहाँ भी डायजोनियम साल्ट बनेगा। ठीक है, अब डायजोनियम साल्ट बनेगा, अगर हमने इसको फिर से जो है क्या करा, यानी कि जो है रिएक्ट कराया, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, अल्कोहल को बना लेंगे। अगर मैं कहूं कि नाइट्रस एसिड जो होता है वो बहुत ही आसानी से जो हम पता कर सकते हैं कि कौन प्राइमरी अमाइन है, कौन जो है सेकेंडरी अमाइन है। कहोगे सर कैसे, अगर मैंने प्राइमरी अमाइन में HNO2 NaNO2 प्लस HCl डाला तो वो अल्कोहल बन जाएगा, साथ में वाटर भी डालेंगे तो। कहोगे ठीक है सर, लेकिन अगर आपने एनिलीन लिया, ठीक है, और उसको भी डाला तो यहाँ पे भी क्या बन गया, डायजोनियम बन गया। लेकिन सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इन डिफरेंट मैनर। अगर वहां पे सेकेंडरी टर्सरी होगा तो कैसे रिएक्ट करेगा, डिफरेंट मैनर में। जैसे यहाँ पे देखिए आपके पास ये अमाइन यहाँ पे जो है क्या है, बेंजीन और NHS यहाँ पे, तो यहाँ पे सेकेंडरी अमाइन के लिए आपको येलो क्या हो जाएगा, यानी कि येलो कलर का जो है ऑयल आपको दिखाई देगा। ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या दिखाई देगा, आपको येलो कलर का जो है फॉर्म दिखाई देगा। अगर टर्सरी होगा, ठीक है, तो वहां पे आपको पारा नाइट्रो NN डाइमिथाइल एनिलीन होगा। तो कहोगे सर मैं कैसे पहचानूं, आप सिंपली देखना कि अगर वो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाए तो प्राइमरी हो जाएगा, अगर सेकेंडरी के लिए वो येलो पीपीटी दे या येलो ऑयल कलर का दे दे तो उसको सेकेंडरी कह देंगे, और टर्सरी में किसी तरह का कोई कलर नहीं देता है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कौन जो है प्राइमरी है, कौन जो है सेकेंडरी है, कौन जो है टर्सरी है। ठीक है, उससे भी ज्यादा अच्छा जो था वो हाइजनबर्ग था। हाइजनबर्ग ने क्या कहा, हाइजनबर्ग का रिएजेंट याद रख लीजिएगा, सीधे सीधे यही पूछा भी गया था कि हाइजनबर्ग का रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन पे सोतु कल लगा देना तो उसको हम लोग कह देते हैं हाइजनबर्ग। यानी कि बेंजीन पे अगर SO2Cl ग्रुप लग जाएगा तो काफी ज्यादा जो है कहोगे कैसे याद रखेंगे, यानी कि हाउस होल्ड जाएंगे। इस प्रकार से रिएक्ट विद प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन फॉर्म सल्फोनाइड। मैं अगर बात करूं, अगर आपके पास 1 डिग्री अमाइन हो, ठीक है, तो ये ना सॉल्युबल हो जाता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखेगा, यानी कि जो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। बट अगर 2 डिग्री अमाइन होगा, यहां पे क्या हो जाता है, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है, नीचे में जो है क्या बन जाता है, पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर 3 डिग्री अमाइन होगा तो रिएक्शन नहीं करता है, यहां पे नो रिएक्शन। अब देखो आप कई बार पेपर दोगे तो आपसे पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा टेस्ट जो है अमाइन को पता करने के लिए यूज किया जाता है, लुकास टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, हाइजनबर्ग टेस्ट, या इसमें से और, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइजनबर्ग। अच्छा, प्राइमरी अमाइन को कैसे पहचानेंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो कैसा होगा, सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा, क्या हो जाता है, पीपीटी का फॉर्मेशन कर देता है। तो हम लोग क्या कह देंगे कि भाई यहाँ पे क्या है,
सेकेंडरी जो है आपका अमाइन है। टर्सरी में नो रिएक्शन होता है, तो याद रखिएगा हाइजनबर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही टेस्ट आपको बताएगा कि कौन प्राइमरी अमाइन है, कौन सेकेंडरी अमाइन है और कौन टर्सरी अमाइन है। मैंने आपको दिया कि यहाँ पे मैंने कहा कि भाई कोई अमाइन है, मुझे नहीं पता कौन सा अमाइन है, मैंने यहाँ पे ले लिया अमाइन है, आप मुझे बताइएगा कि प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है। मैंने कहा कि एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, अमाइन ले लिया, मुझे नहीं पता प्राइमरी है या सेकेंडरी है, लेकिन मुझे इतना पता है अमाइन है। और मैंने कहा कि भाई बेंजीन के ऊपर SO2 कल तक उसको डाल दिया, यानी कि बेंजीन के साथ जो है SO2Cl को डाल दिया, इसको हम लोग कहते हैं हाइजनबर्ग रिएक्शन। अगर मुझे बताइए कि रिएक्शन नहीं हुआ तो कौन सा अमाइन है इसके अंदर, टर्सरी। टर्शियरी अमाइन, टर्शियरी अगर मैंने कहा कि नीचे ना एकदम कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का बैठ गया है तो बताइए अमाइन, क्या होगा, सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन हो प्राइमरी जाएगा। और मैंने कहा कि भाई कुछ भी नहीं दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो कौन सा अमाइन हो जाएगा, अमाइन, प्राइमरी अमाइन हो जाएगा। प्राइमरी। बेस्ट मेथड होता है किसी भी अमाइन को पहचानने के लिए। अभी तक बाकी जितने पढ़ रहे थे उसमें क्लियरिफाई नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो हाइजनबर्ग का मेथड है ये बिल्कुल क्लियरिफाई कर देता है कि आपके पास किस टाइप का अमाइन है। अगर प्राइमरी अमाइन होगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो बिल्कुल जो है सॉलेबल हो जाएगा, सेकेंडरी होगा तो नीचे जो है क्या हो जाएगा, व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन कर देगा, और अगर जो टर्सरी होगा तो कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। हाउएवर दिस डेज बेंजल सल्फोनाइल क्लोराइड इज रिप्लेस्ड बाय पारा टोलुइन सल्फाइल क्लोराइड। हम लोग क्या करते हैं कि आजकल इसकी जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं, पारा वाला पोजीशन का यूज कर लेते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आपके सामने अगर जब भी आएगा तो बेंजीन को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप इसको पारा पोजीशन पे डालो या जो है आपके पास जहां जिस पोजीशन पे डालना है, इस प्रकार से। ओके, अब हमने यहां तक ये बात सीख ली कि सर अगर मुझे पता करना हो अमाइन तो हम लोग हाइजनबर्ग टेस्ट का यूज करेंगे, प्राइमरी होगा सॉल्युबल, सेकेंडरी होगा तो पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाएगा, टर्सरी होगा तो वो क्या हो जाएगा आपका नो रिएक्शन हो जाएगा। ओके, अब मैं यहां पे ना आपको इसकी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की बात बता रहा हूं, जो कि इससे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था, याद हो मैंने कहा था कि आपके सामने ना बहुत बड़ी दुविधा आ जाएगी। ध्यान से सुनना जो बच्चे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपके सामने आप कभी नोटिस करना इस टाइप के सामने प्रॉब्लम आई होगी। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास ग्रुप है। अभी एक बच्चा पूछता है कि सर आपने इसको कहा ऑर्थो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटा, और इसको हम मेटा, लोग क्या कहते हैं, मेटा, पारा, यानी कि ओम पैरा, मेरे पापा या ओम प्रकाश से, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, कोई बच्चा मुझसे पूछता है कि सर आप कहते थे कि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है, या मैं इसको अगर देख टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बताऊं तो कहते हैं ऑर्थो एंड पारा वाला जो है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और मेटा वाला जो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। मैं पहले कंफ्यूज कर रहा हूं ताकि कि आपको फिर बाद में समझ में आ जाए। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, डोनेटिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो डोनेट करे, विदड्रॉइंग का होता है मतलब वो ये हो, अगर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा अगर जो होगा तो उसको ऑर्थो पारा पे जोड़ना, अगर जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसको मेटा पोजीशन पे। अब एक बच्चा मुझसे पूछेगा सर हमें कैसे पता लगेगा कौन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, कब ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। एक बच्चा और पूछता है कि सर मुझे कैसे पता लगेगा कि कौन सा पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा, अगर मान लो कि मुझे पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पे ज्यादा स्टेबल होगा या पारा पे होगा। इस टाइप के आपके सामने हमेशा समस्या आई होगी, याद आ रहा है, ऐसा कभी आया है, कभी नहीं आया है, बोलिए। अरे आना चाहिए इस टाइप का। चलिए मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूं, मैंने एक बार पहले भी बताया था, आज फिर बताता हूं। मैंने कहा था अगर ध्यान सुनना, आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि कहाँ पे हम लोग जो है ज्यादा स्टेबल ग्रुप बना सकते हैं, कौन सा मेजर प्रोडक्ट बने।
अगर ये ग्रुप सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, अगर ये ग्रुप किसके साथ होगा बोलिए, सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, ठीक है। अगर ये ग्रुप सिंगल बॉन्ड के साथ होगा तो याद रखना कि वो ऑर्थो एंड पारा पे जाके जुड़ेगा कोई भी ग्रुप, ठीक है। अगर यहां पे अगर ऐसा ग्रुप हो जाए यहां पे जी और यहां पे मैं ले लेता हूं वाई, अगर ये भी सिंगल बॉन्ड है तो ये कैसा हो जाएगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा। बट अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाए सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, डबल बॉन्ड में यहाँ पे जी एंड वाई ले लेता हूं। तो ये जो ग्रुप हो जाएगा वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, यानी कि अगर आपके पास कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा है तो जो ग्रुप जुड़ेगा वो ऑर्थो पारा पे जुड़ेगा, और अगर डबल बॉन्ड आ जाएगा तो मेटा पे जुड़ेगा। तो एक बच्चा कहता है ठीक है सर मैंने ये देख लिया कि किसके पास, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल के रूप में अगर मैंने यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, अब आपके सामने समस्या आ गई कि सर मैंने ठीक है आपने कहा यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, अब मेरे पास क्या है कि या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या कहाँ जुड़ेगा पारा पे जुड़ेगा। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि किस पोजिशन पे ज्यादा स्टेबल है, जनरली पारा पोजिशन जो है मोर स्टेबल होता है, बट एक कंडीशन याद रखना, अगर मेटा पोजिशन पे ऑर्थो पोजिशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बने तो। फिर से मैं बता रहा हूं, अगर आपके सामने ये पता करना कि सर कौन सा ग्रुप कहां जोड़ेंगे, तो आप सिंपली कहोगे कि सर हम देखेंगे कि बेंजीन से जो लगा हुआ ग्रुप है वो सिंगल बॉन्ड है तो हम कह देंगे ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है, और ऑर्थो पारा में भी कहां जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि अगर जो मेटा ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के होने के कारण ऑर्थो पोजीशन वाला ज्यादा मेजर प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो पारा पोजीशन वाला ही क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। इस बात को आपको याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जब क्वेश्चन बनाओगे ना तो आपके सामने समस्या आएगी कि सर किस पोजीशन वाले को हम लोग जो है ज्यादा स्टेबल रखें। तो मैंने क्या कहा कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो आप ऑर्थो पारा पोजीशन करोगे, ऑर्थो पारा पोजीशन में भी कहां रखेंगे, पारा पोजीशन मोस्ट ऑफ द केस स्टेबल होता है एक्सेप्ट जब आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना बन रहा हो। अब जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे, मुझे बताइए कि कैसा होगा, ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा या कैसा होगा मेटा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पारा पैरा डायरेक्टिंग। अब यहाँ पे ऑर्थो पारा हो गया। अब यहाँ पे ना याद रखना कि अमाइन ग्रुप जो है ना मोस्ट स्टेबल होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, तो यहाँ पे सभी जगह पे हमारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है ऑर्थो पारा पे तीनों जगह, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे चाहे सीएल ग्रुप भी रहता तो हम इस प्रकार से क्या कर देते, जोड़ देते हैं। इन्होंने देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे 2,4,6 डायनेट्रो जो है यहाँ पे बना देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या है आपका NH2 जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण से वो जो है सभी को रिएक्शन कराता है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, अब मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, एनिलीन अंडर एसिडिक मीडियम व्हेन क्लोरीनेटेड प्रोड्यूसेस, अगर एनिलीन को हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, क्लोरीन के साथ, ठीक है। अब हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दिया साथ में वाटर, अब मुझे बताइए कि जो प्रोडक्ट बनेगा कहाँ कहाँ बनेगा, ऑर्थो पे बनेगा, मेटा पे बनेगा या पारा पे बनेगा, सर ऑर्थो और पारा पर, ऑर्थो एंड पारा पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों जो है बनेगा, और यह आपका बनने वाला जो है प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। अब देखिए आपके पास पहला तो बड़ा आसान था, लेकिन सेकेंड ऑप्शन जो सेकेंड जो है आपके लिए जो है दिक्कत करेगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन। अब देखो जब आपके पास हमने क्या करा कि यहाँ पे प्रीडीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन पे हो,
और आपको मैंने कहा था कि जब अगर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो मेजर प्रोडक्ट हमेशा कहाँ पे बनता है, पारा पोजिशन पे बनता है, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि आपके लिए एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दिया। एनहाइड्राइड कैसा होता है, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ और सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री। ये बेसिकली क्या करता है कि इसके लोन पेयर को ना रिंग में नहीं जाने देता, और ये क्या करता है यहाँ पे जो है आपस में यूज कर लेता है, जिस कारण से फर्दर जो है यहाँ पे इफेक्ट नहीं शो कर पाता है। अब जैसे ही नहीं कर पाता है तो हमने क्या करा, यहाँ पे बी आर टू और सी एच थ्री के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, यहाँ से तो एच बी आर निकल गया। अब ये बॉन्ड जो है यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से जैसे ही टूटा तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एच, और यहाँ भी एच, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है वाटर के साथ हमारा है, तो यहाँ पे एच प्लस एंड ओ एच माइनस, यहाँ पे एच प्लस जुड़ जाएगा और यहाँ पे ओ एच माइनस जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका एसिड निकल गया। अब जैसे ही निकल गया तो अब आपके सामने कहोगे कि सर यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, आप कहते थे ऑर्थो पे भी जुड़ सकता है और कहाँ पे पारा पे भी, लेकिन आपने तो पारा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि ऑर्थो पे सिर्फ तभी स्टेबल होगा जब वो क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द केस जो है आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसी चीज को मैंने जो है इस फॉर्म में लिखा है ताकि कि आपको समझ में आ जाए। अब देखिए नाइट्रेशन का, नाइट्रेशन होगा तो यानी कि याद रखिएगा कि जैसे ही आपने क्या करा कि सी एच थ्री एन एच टू के साथ रिएक्शन कराया तो तीनों प्रोडक्ट बनता है, लेकिन ये वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है। यहाँ पे भी आपको उसको याद रखना कि जो है प्रोडक्ट होता है ज्यादा होता है। सल्फोनेशन में क्या हो जाएगा SO3 माइनस, यहाँ पे पारा पोजिशन पे आएगा, सिर्फ और सिर्फ तब याद रखना जब आपके पास क्या हो जाए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तभी जो है ये क्या करेगा आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं।